हमारे हिंदू धर्म में दान की महिमा का एक अपना ही खास महत्व है और इससे व्यक्ति को न केवल शुभ फल की प्राप्ति होती है बल्कि मन की आंतरिक शक्ति की भी प्राप्ति होती है। दान भी कई तरह के होते हैं, ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में कोई न कोई समस्या ना हो, लेकिन अगर समस्या है तो उसका हल भी जरूर है। लोग अपने परेशानी से छुटकारा पाने के लिए हर तरह का उपाय करते रहते हैं। लोग बहुत मेहनत करते हैं तो कोई पूजा पाठ धार्मिक चीज भी करता है, कोई टोटका कराता है तो कोई भगवान हनुमान का पूजा करता है, तो कोई माँ काली की आराधना करता है। कार्तिक पक्ष शुक्ल कृष्ण दशमी पर माँ काली का पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। देवी माँ काली को सभी भगवानों से श्रेष्ठ माना जाता है और उनको रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाली देवी का रूप भी माना जाता है, इसलिए इस दिन इनकी पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। कर्तव्यों के कई मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कारण और लाभ हैं। जो मनुष्य लाभ की दृष्टि से भी इन कर्तव्यों का पालन करता है वो अच्छाई के रास्ते पर आ ही जाता है। दुख है तो दुख से मुक्ति का उपाय भी हमारा किया हुआ कर्तव्य ही है। प्रमुख कर्तव्य जो कि इस प्रकार से हैं, संध्योपासन, व्रत, तीर्थ, उत्सव, सेवा, दान, यज्ञ और संस्कार। दान से सातों इंद्रियां भोगों के प्रति आसक्ति छूटती हैं, मन की ग्रंथियां खुलती हैं, जिससे मृत्यु काल में लाभ मिलता है। मृत्यु आए इससे पहले सारी गांठें खोलना जरूरी हैं जो जीवन की आपाधापी के चलते बंध गई हैं। दान सबसे सरल और उत्तम उपाय है। वेद और पुराणों में दान के महत्व का वर्णन भी किया गया है। हमारे वैदिक पुराणों के अनुसार ये बात बताई गई है कि कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दशम महाविद्या को समर्पित माना जाता है और इसलिए महाकाली इस 10 महाविद्या में से प्रथम महाविद्या मानी जाती हैं। आपको बता दें कि इस महाविद्या में से पहली महाविद्या का दर्जा महाकाली को प्राप्त है। जबकि पूजा करिए, एक बात का अवश्य ध्यान रखिए कि इस विशेष पूजा को सदैव पश्चिम की तरफ मुंह करके माँ काली का दशोपचार पूजा पाठ करना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक जलाने के बाद लोह बांध से धूप करें तथा पूजा में तेज पत्ता का चढ़ावा ना करना भूलें और पूजा के उपरांत सुरमा का चढ़ावा कीजिए और लौंग, नारियल, काली मिर्च, बादाम चढ़ाएं तथा रेवड़ियों का भोग भी लगाकर विशिष्ट मंत्रों का 108 बार जप कीजिएगा। सारी क्रियाओं के बाद जो रेवड़ी पूजा में आपने चढ़ाया है उन रेवड़ियों को किसी कुंवारी लड़की को प्रसाद के रूप में दान करें। इस उपाय को करने से आपके सामने आने वाली सभी परेशानी का निश्चित ही अंत हो जाएगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि सनातन काल से ही माँ पार्वती को आदि शक्ति के रूप में पहचाना जाता है, जो कि महाकाल शिव के साथ महाकाली का रूप धारण किए हुए हैं। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार महाकाल और महाकाली की सच्चे मन से पूजा करने वाले भक्त का काल भी अहित नहीं कर सकता और उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख या कलेश नहीं रहता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।